इन दिनों गुजरात बाढ़ की चपेट में है। गुजरात के कई शहर पानी में डूब चुके हैं और इस बीच रविंद्र जडेजा की पत्नी ने जो काम किया है उसकी खूब तारीफ हो रही है। गुजरात में बाढ़ की वजह से गुजरात के 18 जिले पूरी तरह प्रभावित हुए हैं और प्रभावित इलाकों में जामनगर भी शामिल है। और खास बात यह है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी जामनगर उत्तर से भाजपा की विधायक हैं। रिवाबा जडेजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो गहरे पानी में उतरकर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। जामनगर में गहरे पानी में उतरकर लोगों की मदद करती रिवाबा के इस वीडियो के बाद उनकी खूब तारीफ हो रही है। उनके इस वीडियो पे एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है, मुसीबत में लोगों के साथ खड़े होना। वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने रिवाबा की तारीफ करते हुए उनकी खूब तारीफ की और तारीफ करते हुए लिखा, ये सचमुच अद्भुत है, हमें आप पर गर्व है। आपको बता दें कि गुजरात में बाढ़ और बारिश से इतनी तबाही मची है कि आज बड़ोदरा, जामनगर, द्वारका और कच्छ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों के करीब 4000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन बाढ़ और बारिश के लिहाज से गुजरात के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिवाबा के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें इंडिया.com।